अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 कर्नाटका। दोस्तों, आज हम हलके इंदिरा नगर में मौजूद हैं, जिधर आप देख सकते हैं सिलिकॉन सिटी पब्लिक स्कूल, जो इंदिरा नगर का नामदार और शानदार स्कूल है, उधर मौजूद है, जिधर सिलिकॉन पब्लिक सिटी स्कूल पर फेलिसिटेशन डे मनाया गया है 10th क्लास का, और बच्चों को अवार्ड से भी नवाजा गया है, और एक्स IAS ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जिधर बच्चों के लिए हौसला अफजाई की बात उनकी रख रहे थे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के एजुकेशन की, यहाँ के एनवायरनमेंट की, तो तमाम तफसीलात बात करेंगे यहाँ के सिलिकॉन सिटी पब्लिक स्कूल के जिम्मेदारों से। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू व्हाई दिस स्कूल वाज स्टार्टेड। 2000 में सन सर्विल एजुकेशन ट्रस्ट बोल के जिया भाई का आइडिया, शकुर भाई का आइडिया। क्वालिटी एजुकेशन हैज टू बी गिवन टू द अंडर प्रिविलेज्ड एंड नीडी पीपल। तो ये मकसद से वी स्टार्टेड दिस सन सर्विल एजुकेशन ट्रस्ट। पैंडमिक जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन प्रोसेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है। एंड लाइक एवरीवन, हमें भी वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड वर्क अराउंड इट। सो वी हैव ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यूअसली, आवर टीचर्स आवर फैकल्टी आर वर्किंग टू ट्रेन पीपल स्टूडेंट्स। इवन जब घर में रहते हैं भी उनको ट्रेन करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। ये रिजल्ट्स जो आज देख रहे हैं हम, इट्स बिकॉज ऑफ द मेहनत पुट इन बाय आवर फैकल्टी आवर टीचर्स आर एस्टैब्लिशमेंट। सो दिस इज ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारा एक ही इसमें पूरे वर्ल्ड के लिए है, एंड वी हैव टू डील विद इट एज वी कम। क्योंकि ये शहर का पॉश एरिया है, कई ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल पसमानदा इलाके हैं, वहाँ की जो ये मिलेगी आपको रिपोर्ट मिलेगी, तकरीबन बहुत गरीब इलाके बसते हैं, तो ऐसे इलाकों में भी एजुकेशन फैलाने के सिलसिले में आपकी तरफ से क्या स्टेप्स लेने की मंसूबे हैं, प्लानिंग क्या है? नहीं, इसीलिए वी हैव स्टार्टेड स्कूल्स इन द स्मॉल गरीब मोहल्ले में, वी हैव स्टार्टेड स्कूल्स देयर आल्सो टू स्प्रेड एजुकेशन ऑन आवर लाइन। कौन से एरियाज? अनसंद्रपालिया में करिया है, और वी हैव प्रोग्राम स्टार्ट इन अनदर 2-3 एरियाज। तो ऐसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज जो है, वी आर स्टार्टिंग स्कूल्स देयर आल्सो, वी आर प्लानिंग। जैसा कि हमारे सदर साहब ने फरमाया, हमें है ना गरीब बच्चों को एजुकेशन देने के सिलसिले से ये स्कूल स्टार्ट करें, इलिटरेट को लिटरेट बनाना, उनको आगे बढ़ाना, उनको है ना और तरक्की करना, ये हमारा मकसद है। फीस के लिए हमारा कोई भी ज़्यादा तकाजा नहीं है। अब देखो, सब जगह फीस ज़्यादा होते रहे, तो हमें फीस रिड्यूस करें और माफ़ भी करें। बहुत सारे हमारे पास आते हैं, सबको मालूम है, औरतें ज़्यादा आते हैं रिक्वेस्ट लेकर, कोई आया सुने है ना, फोन भी है ना, किसे भी वापस नहीं भेजते हैं लोग। इतनी फीस देती जो क्या करते हैं, कैसा कि हम मदद करने वाले लोग बहुत हैं, कौन कौन कैसा भी हम मदद कर को अपने। अब देखो, सब स्कूल में 60%, 70%, 80% सैलरी दे रही है, हमें अब तक 100% सैलरी दे रही है, एक रुपया भी हमें कम करना नहीं, और इंक्रीमेंट भी दिए गए मैंने ताकि है ना गरीब टीचर्स अच्छा तैयार हो पाको, उन्होंने बच्चों को अच्छा पढ़ाना, अच्छा इकोनॉमिक अच्छी तरबियत करना। अब देख रहे हैं रिजल्ट क्या था, मदद करने वाले लोग आए, उनको उनके सामने हम साथ रखे, तो उन्होंने है ना दिल खोल मदद कर दी। अब हमारे सदर साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, सब है ना बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मदद कर दी, उसके ज़रिए से चल रहा, कैसा है कि अल्लाह में चला रहा है, अल्लाह की मदद से चला रहा है। आज पिछले साल और इस साल दोनों सालों का मिलाकर फैसिलिटेशन हुआ है, तकरीबन 65 बच्चों को फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन आए उनको, और फर्स्ट क्लास आए बच्चों को करीब 65 बच्चों को दोनों साल का मिलाकर दिया है। काफ़ी सालों से हमारा सोचना है कि आगे कॉलेज लेवल की भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, और ये जगह भी मस्जिद की प्रॉपर्टी है, दूसरी जगह लेकर वहाँ पर कॉलेज लेवल का शुरू करने का प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह, अब पिछले चंद सालों से काफ़ी मसाजिद में ऐसे प्रोग्राम शुरू हुए, काफ़ी बड़ी मसाजिद, मगर ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि बड़ी मसाजिद सिर्फ पॉश महलों में हैं, जहाँ पर जाने वाले भी या तो काफ़ी मालदार होते हैं,
या जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। ये छोटे मस्जिद में इस काम को शुरू करना चाहिए। हमारे पास काफ़ी मस्जिद वाले आते भी हैं, हम उन लोगों को गाइड भी करते हैं और काफ़ी इन्हें फॉलो भी करते हैं। 10th स्टैंडर्ड सिलिकॉन सिटी पब्लिक स्कूल में ख़त्म किया है मैंने और मुझे 94% से डिस्टिंक्शन मिला। मैं ये कह सकती हूँ कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी दीन और दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ दोनों दुनिया और दीन का तालीम दिया जाता है और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है और इतना अच्छा मतलब सब करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना सपोर्ट करते हैं कि बच्चे कोई भी मतलब किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती, ना अब ना फ्यूचर में। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ हो, ऐसे नहीं किया जाता। उन्हें हर चीज़ में बेस्ट दिया जाता है और एवरीबडी टेल दैट स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग फॉर देयर फ्यूचर, बट आई कुड टेल दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज टीचर्स हियर आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव, दे सपोर्ट अस इन एवरीथिंग। आपने टीचर्स से मुतालिक अपने एहसासात, अपने फीडबैक का इजहार किया है, अपने पेरेंट्स से घरेलू जो माहौल रहा उसके मुतालिक कैसा फीडबैक रहा? अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले बहुत सपोर्ट करते थे। उन्हें काम होता था या फिर घर का कुछ काम करना पड़ता था, दूसरों का ख्याल रखना पड़ता था, लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया। हर दिन मम्मी पापा और सब लोग मेरी स्टडीज में हेल्प रुकावट नहीं रही और वो मुझे हर दिन स्टडीज में भी हेल्प किया करते थे, मेरे असाइनमेंट्स करने में, मेरे होमवर्क्स करने में या फिर जब भी मेरा टेस्ट होता था तभी भी वो लोग मुझे सपोर्ट किया करते थे। तो फ्यूचर प्लान क्या है आपका? डॉक्टर बनना। क्या स्टेप तक पहुंची हैं आप? अभी नीट, इस साल नीट एग्जाम देना है और कोचिंग अभी जारी है। तो स्पेशली गर्ल्स के एजुकेशन के सिलसिले में मुख्तलिफ हवाले, मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं, फौरन जैसे ही एजुकेशन कम्प्लीट हो शादी कर देना, इस तरह के जो सोसाइटी में फैला हुआ एक माहौल है, उस सिलसिले में क्या मैसेज देना चाहेंगे? इट इज़ नॉट लाइक पेरेंट्स, हर घर में पेरेंट्स नहीं फोर्स करते लड़कियों को शादी करने के लिए या फिर ये करने के लिए। बच्चे होते हैं जो जिनकी तरबियत अच्छी नहीं होती तो इसके लिए वो कुछ ऐसे वैसे काम करते हैं, इसके लिए वो उन लोगों की शादी कर देते हैं। पहले लड़कियों के अंदर जज्बा होना चाहिए और उनके अंदर हिम्मत होना चाहिए कि वो कुछ करना चाहती हैं उनके फ्यूचर में, और वो ऐसे नहीं कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करना चाहती हैं। उनको खुद अपने पैरों पर खड़ने के लिए उनके अंदर उनको खुद वो एहसास होना चाहिए कि उन्हें कुछ करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफुर अली खान है, मैं सिलिकॉन सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। फिलहाल मैंने 90% लिया है एग्ज़ाम में, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। हमें स्कूल में पढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है जो फ्यूचर में काम आती है। टीचर्स जो होते हैं यही हमारे बैकबोन होते हैं। पेरेंट्स सपोर्ट तो करते हैं लेकिन टीचर्स के बिना हम कुछ नहीं हैं। टीचर्स जो होते हैं काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं लाइफ में, कैसे टैकल करना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान रखते हुए टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करना है और उन्हें फ्यूचर में भी याद रखना है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा स्कूल में आपका? जी बहुत अच्छा रहा। स्कूल के बारे में क्या कहूँ, बहुत अच्छा स्कूल है हमारा और टीचर्स बहुत मेहनती हैं। क्या है फ्यूचर प्लान आपका? फ्यूचर प्लान तो सोच रहा हूँ IPS बनने की, तो फिलहाल जारी है तैयारी। तो फैमिली के साथ कैसा सपोर्ट रहा? जी फैमिली का फुल सपोर्ट रहा। सो बीइंग अ विलेज गाय, मैं विलेज से आया हूँ तो मुझे यहाँ इंग्लिश तक नहीं आती थी सही तरीके से, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह।